नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देखिए, मैं ना झाड़ू लगा के पोछा लगा रही हूँ, तो घर में मतलब कि सब कोई अभी सोए हुए हैं और मैं पोछा लगा दे रही हूँ ताकि कोई भी मतलब ना चल के गंदा ना करे। और मतलब गंदा मतलब चल देते हैं ना पोछा, इतना मेहनत से मैं लगाती हूँ और कोई मतलब कि चल दे पैर से तो गंदा हो जाता है। इसलिए फिर मैं ना सुबह सुबह ही पोछा लगाती हूँ, एकदम सुबह सुबह। तो अभी सुबह के ना 5 बज रहे होंगे या फिर 5-10 हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। तो क्योंकि मैं ना 5 बजे से पहले ही उठ गई थी और झाड़ू वगैरह लगा लिया है। फिर मतलब कि झाड़ू लगा के और उसके बाद पोछा लगाती हूँ, तो झाड़ू लगाने में भी 10-15 मिनट लग जाता है क्योंकि मैं एकदम पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। और इधर साइड ना ये जो गेट मैंने खोला है ना, इधर साइड में पानी भी छिड़कती हूँ, तो मतलब कि अभी पानी वूनी छीट दिया है वहाँ पे और मतलब झाड़ू भी लगा दिया है। ये आगे का साइड का आंगन है जो मैं कभी कभी दिखाती हूँ ना, बड़ा सा आंगन जिधर गाड़ी उड़ी लगता है, टेकर वगैरह, तो उधर का ही ये आंगन है। तो उधर साइड ही मैं मतलब कि पानी छीट देती हूँ क्योंकि उधर ना बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ता है। और अभी तो मेरा मिट्टू भी सोया हुआ है, मतलब सब कोई सोया हुआ है, अभी सिर्फ मैं उठ गई हूँ और अपने काम में लग गई हूँ। और अभी ना ठंड रहता है सुबह सुबह, तो सबका उठना मतलब कि ज़रूरी नहीं है। और मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ दोस्तों, मेरे पास मतलब कि वो जो पोछा लगाने वाला होता है ना, वो सब नहीं है। मैं अपने हाथ से ही पुराने कपड़े का यूज़ करके, और पुराने कपड़े जो भी होते हैं उसको क्यों फेंकना, काम में जब आ जाता है तो मैं इसी से पोछा वगैरह लगा लेती हूँ और हो जाता है। तो देखिए मैं लगा, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना खूब ध्यान रखिएगा और अपने मम्मी पापा का भी बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ ही है और ये देखिए मेरी चाय बन रही है। तो चाय में मतलब चाय मैं पी ले रही हूँ और सब्जी की भी थोड़ी मोड़ी मैंने तैयारी कर ली है। तो बस अभी मैं सब्जी काट मतलब उस चाय चढ़ा के मैं सब्जी काट लेती हूँ क्या, ताकि टाइम का भी बचत हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने ना सब्जी में आलू की भुजिया ही काटी है, जल्दी बन जाता है। जैसे बच्चों लोग को जाना रहता है ट्यूशन स्कूल, इसलिए मैंने उसे आलू की भुजिया का कट करके रखा है। और मतलब लंच में कुछ और बना लेंगे, अभी अभी फटाफट आलू की भुजिया ही बना ले रही हूँ। और बस चाय अभी पी लेते हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और मॉर्निंग का मेरा जो सारा काम होता है ना, सारा हो गया है, नहाना धोना पूजा पाठ पानी उनी सब भरना। सुबह के टाइम ना बहुत हजारों काम हो जाते हैं, लेकिन फिर मतलब सारे निपटा के फिर ये काम करना पड़ता है। मतलब एक मिनट का भी अभी मतलब होता है ना कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन और अभी मेरा सारा हो गया है तो मैं अभी आराम से चाय पीती हूँ। मतलब मुझे चाय पीना ना मुझे आराम से बैठ के ही पीने का अच्छा लगता है, मुझे हड़बड़ हड़बड़ पीती हूँ। इसलिए मैं सब्जी काट ली हूँ और चाय पी ले रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं आराम से सब्जी बनाऊँगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो बस ये देखिए मेरा आलू का भुजिया कट करके मैंने रख लिया है और ये क्या कहते हैं डाल दे रही हूँ तेल। और चाय वगैरह भी मैंने पी लिया है, तो पता नहीं याद नहीं है पिया है कि नहीं पिया है, मतलब कि मतलब अभी पिया था कि पहले पिया था ये नहीं मालूम है दोस्तों, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने पी लिया क्योंकि सब्जी मैं बनाती हूँ उससे पहले चाय पी ही लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आलू की भुजिया को डाल दे रही हूँ और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं देखिए, थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ज़्यादा भुजिया तो दोस्तों आलू की भुजिया मेरी ना सिंपल सी बन गई है। और मैं ना कद्दू थोड़ा सा काट के रखी हूँ, छोटा सा कद्दू था खींचा सा, और चना दाल भी मैंने इसी में मतलब कि थोड़ा सा डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं है, तो गल के थोड़ा सा ही हो जाता है कद्दू ऐसे भी। तो बस इसे भी थोड़ा सा बना ले रही हूँ लंच के लिए, ये बना रही हूँ आलू की भुजिया नाश्ता के लिए बना रही हूँ। और दोस्तों मैं बोल रही थी ना कि आपको भी अगर काम करते हुए आलस आता है और नींद सी आती है, जमाई सी आती है, तो आप मेरा तड़कता फड़कता ये आइडिया अपनाइए तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगा
और आपको ना आलस भी नहीं लगेगी। तो आप ना ये क्या करते हैं कुछ भी काम करते हुए ना आप अपना गाना वाना मतलब सुनिए, भजन सुनिए, तो आपको ना बिल्कुल भी आलस नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, तरोताज़ा भी लगेगा। और बस मैं भी यही करती हूँ, अपने मोबाइल में ना गाना वगैरह लगा लेती हूँ और गाना सुनते रहती हूँ। तो गाना सुनिए या फिर और मतलब कुछ काम में मतलब कि जैसे कि एक काम कर रहे ना तो कुछ और मन में मतलब कि आलस जैसा मत सोचिए, तो हो जाएगा। ये क्या कहते हैं आलस नहीं लगेगा आपको, तो ये तड़कता फड़कता आइडिया लगाइए और आपका मन भी लगेगा, गाना वाना सुनते रहिएगा। तो मैं तो अपने किचन में ना अपने मोबाइल में लगा के छोड़ देती हूँ और सुनते रहती हूँ, तो मतलब कि ठीक लगता है। तो आप भी वैसे ही करके देखिए, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। और ये देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी कितनी थोड़ी सी हो गई है और बस बन ही गया है। अब मैं पानी बिल्कुल भी सूख गया है, तो बस मैं इसे उतार दूँगी। और ये लंच के लिए ही बना रही थी, तो बस लंच में ना ये देखिए बच्चों लोग ये थाली लगाई हूँ, तो बच्चे लोग के लिए थाली में दाल चावल और आलू की भुजिया और चोखा और अचार है। और हम लोग के अपने लिए कद्दू की सब्ज़ी बनाए, तो ये लोग नहीं खाने खोजते हैं जल्दी से, जो नहीं खाते हैं ना तो मैं थोड़ा बहुत ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी गर्मा गर्म खाना है, सिंपल सा ही है लेकिन गर्मा गर्म है और टेस्टी भी है। तो आप लोग भी ऐसा खाना खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, सिंपल सा और एकदम गर्म गर्म और टेस्टी है। तो बच्चे लोगों को ना मेरा आलू का भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं बनाते रहती हूँ हमेशा। तो बस खाना पीना खा के और फिर उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करना है, तो किचन उचन साफ़ करके मैं आ गई हूँ। और अभी ना थोड़ा सा किचन उचन सब मैंने क्लीन कर लिया है, तो मैं ये देखिए मैं सूप ली हूँ अपने हाथ में, किचन से मैंने सूप लेके आया है। तो सूप का भी मैं क्या करने वाली हूँ अभी आप देखिएगा। ये देखिए सूप और लाइट में मतलब ये देखिए सूप में अभी ना मुझे काम है सूप का, तो मैं अभी सूप लेके जा रही हूँ और यहाँ मैं टांग के रखती हूँ सूप को। तो ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है और सारा काम हो गया, खाना पीना बर्तन वर्तन सब हो गया है। उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो बाल वगैरह झाड़ ली हूँ और मैं ना लाइट किचन का बंद करती हूँ। और अभी मैं ना ये क्या कहते हैं हरी मिर्च बहुत आया है, तो उसका डंटी मुझे तोड़ना है। तो अभी थोड़ा सा दिन जैसा है, शाम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसकी डंटी तोड़ लेते हैं, नहीं तो पता है ना ख़राब भी हो जाता है। तो इस बार ना उतना भी अच्छा वाला मिर्च नहीं दिया है, जैसे थोड़ा सा अजीब सा है, तो मैं इसे तोड़ के रख ले रही हूँ। जो अच्छा है ठीक है, जो अच्छा नहीं है उसे मैं मतलब कि फेंक दूँगी, बगान में रख डाल देती हूँ ना, तो मिर्च का गाँच निकल जाता है इससे। तो मैं ना कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती हूँ दोस्तों, इसमें से जो ख़राब ख़राब है ना उसे मैं साइड में रख दे रही हूँ, और जो अच्छा वाला है ना उसे एक साइड रख रही हूँ। तो ताकि जो ख़राब वाला है ना मैं अपने बगान के तरफ जो मेरा गार्डन है ना उसी में मैं फेंक देती हूँ, और उसी से ना बहुत सारा मिर्च का गाँच उग जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा दूँगी। तो इससे मिर्च का गाँच भी उग जाता है और टमाटर भी, अगर पुराने टमाटर हैं जो ख़राब हो गए हैं तो वो भी आप फेंक दीजिएगा ना, तो उससे टमाटर का भी पौधा निकल जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब कि टमाटर का भी वैसे निकल जाता है, मिर्च का भी निकल जाता है जैसे। और अभी मैं शाम को खा रही हूँ दोस्तों चटपटी, तो अभी ये आए थे ना तो चटपटी लेके आए थे, तो बस मैं चटपटी खा रही हूँ। और चटपटी लाए हैं और समोसा भी लाए हैं, तो पहले चटपटी खा लेते हैं क्योंकि ये ना इसमें प्याज व्याज डला है तो चटपटी ना ख़राब हो जाएगा, जैसे मेह जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी फिर उसके बाद समोसा खाएंगे। तो ये देखिए समोसा गर्मा गर्म है, तो थोड़ा अभी ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर बाद भी खाएंगे तो चलेगा दोस्तों। तो बस आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, और गर्मा गर्म समोसा है और चटपटी है, तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाने के लिए। और शाम में कभी कभी ये ले आते हैं, ऐसे तो हमेशा नहीं खाते हम लोग ये सब, आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन कभी कभी चलता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना भूलिएगा दोस्तों। तो बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और ये लीजिए समोसा खा लीजिए आप लोग, एकदम गर्म है और टेस्टी भी है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो उसके बाद हम लोग भी खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो बस इसी के साथ
कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ की शुरुआत। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। और समोसा खाते हैं हम लोग।